साइट विजिट। मेरा नाम सिमरन है और आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट जिसका नाम है अपटाउन स्कायला। अगर अपटाउन स्कायला की हम लोकेशन की बात करें, ये हमारा पड़ता है एयरपोर्ट रोड जीरकपुर Pier 7। आप देख सकते हो 200 फीट रोड के ऊपर हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें हम कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों लेके आए हैं। आप देख सकते हो हमारा कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ पे दो सेकेंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन हमारी पहुँच गई है और इसके बाद हमारे पास रेजिडेंशियल में आ जाता है 2 BHK, 3 BHK, 3+1 एंड 4+1। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं 4+1 के सैंपल फ्लैट। आइए हम देखते हैं 4+1 का सैंपल। सो आइए अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की तरफ जो कि 4+1 का 2455 स्क्वायर फीट एरिया जिसका रहेगा सैंपल फ्लैट का एरिया। आइए हम चलते हैं सैंपल फ्लैट। तो ये अपना सैंपल फ्लैट है जिसकी डबल एंट्रेंस रहेगी। एक एंट्रेंस रहेगी सर्वेंट रूम की और एक हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी। सबसे पहले हम सर्वेंट रूम देख लेते हैं। आइए, ये हमारा सर्वेंट रूम आ जाता है। विद अटैच वॉशरूम, अटैच अपनी बालकनी रहेगी इसमें और हमारी किचन की एंट्रेंस भी इसमें सेपरेट रहेगी। एग्जिट और एंट्रेंस यहीं से रहेगी इसकी। सो आइए अब हम चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। सो ये हमारा आ जाता है मेन एंट्रेंस। सबसे पहले मेन एंट्रेंस में हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन, आप ऐसे ही बिल्कुल अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं। लिविंग एरिया में हमने सबसे बड़ा कंसेप्ट, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट रखा है इसमें, हमने एल शेप में लिविंग एरिया रखा है। आप देख सकते हो हर एक रूम की अपनी प्राइवेसी रह रही है इसमें, विद अटैच बैल्कनी इसमें दी हुई है और काफ़ी अच्छा हमने डेकोरेट किया हुआ है। लिविंग एरिया में भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हमने स्पेस दी हुई है इसमें, इसके साथ हमने अटैच बैल्कनी भी दी हुई है। बैल्कनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो ये बैल्कनी। लिविंग एरिया के बाद आइए अब चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया लिविंग एरिया के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं इसमें भी हमने काफ़ी अच्छी स्पेस दी हुई है डाइनिंग एरिया में। ये हमने 6 सीटर लगाया हुआ है लेकिन आप इसको 8 सीटर भी, इतनी स्पेस दी हुई है कि 8 सीटर भी ये बन सकता है। आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। ये हमारी मॉड्यूलर किचन आ जाती है, इसमें भी हमने काफ़ी अच्छा स्पेस दिया। आप देख सकते हो काफ़ी बिल्डर्स होते हैं कि अच्छा स्पेस किचन में नहीं देते और हाउसवाइफ्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हमने, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा हमने स्पेस दिया हुआ है किचन में। और आप इसमें देख सकते हो सारी फिटिंग्स हमारी हैक्टिक की रहेंगी और इजी टू क्लीन रहेगा ये। ये हमारा साथ में वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है, ये हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है साथ में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी किचन, आपने लिविंग एरिया भी देखा, डाइनिंग एरिया भी देखा। हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आइए, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमने स्पेस दिया हुआ है। साथ में हम अपना कॉफ़ी टेबल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। सामने हमारे LED पैनल की जगह दी हुई है। ये हमारे साथ में बालकनी आ जाती है, हर एक रूम के साथ अपनी अटैच बालकनी आई हुई है। आप देख सकते हो बालकनी के साइज भी हमारे काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स हम इसके साथ काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं। वॉशरूम और हमारा ड्रेसिंग एरिया काफ़ी अलग आ जाता है। ये हमारी ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। वार्डरोब्स देखिए, ऊपर तक इसको स्पेस दी हुई है हमने वार्डरोब्स की भी। साथ में हमारे अटैच वॉशरूम आ जाते हैं। सारी फिटिंग्स जो रहेंगी इसमें जगवर की फिटिंग्स रहेंगी। वॉल टू वॉल टाइल्स हमने दी हुई हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा था फर्स्ट बेडरूम। आइए हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम किड्स रूम है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें भी हमने स्पेस दिया हुआ है। साथ में हमारे स्टडी टेबल्स आ जाते हैं बच्चों के लिए। हम काफ़ी अच्छा इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इसको। साथ में हमारी अटैच बालकनी आ जाती है।
रूम के साथ हमारे आ जाता है ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम अटैच। तो आइए हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है, देख सकते हो इसमें भी काफ़ी अच्छा हमने स्पेस दिया हुआ है। ये हमारा किंग साइज बेड रखने के बाद भी इसमें कितना लग्जरी हमारे पास स्पेस आ जाता है। साथ में अटैच बैल्कनी, मास्टर बेडरूम की बैल्कनी और किड्स रूम की बैल्कनी अटैच है। ये हमारा साथ में इसके अपना ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, ड्रेसिंग एरिया भी इसमें हमारा बड़ा हो जाता है मास्टर बेडरूम के साथ साथ। और हमारा वॉशरूम साइज भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसमें वॉशरूम स्पेस भी वॉशरूम भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस दिया हुआ है हमने मास्टर बेडरूम के साथ। सो गाइस ये था हमारा मास्टर बेडरूम। आपने हमारे तीन रूम्स देख लिए हैं, लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया देखा आपने, हमारी किचन देखी हमने, और अब हम चलते हैं हमने गेस्ट रूम की तरफ। हमारा गेस्ट रूम जो है एंटर करते ही फ्लैट के अंदर है। आइए हम देखते हैं अपना गेस्ट रूम। सो ये हमारा गेस्ट रूम आ जाता है। आप गेस्ट रूम के अंदर भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमने स्पेस दी हुई है इसके अंदर, साथ में अटैच बैल्कनी दी हुई है। इसके साथ ही हम आप देख सकते हो वार्डरोब्स में भी हमने काफ़ी अच्छी दी हुई है। इसमें हम विद सेंसर आपको वार्डरोब्स दे रहे हैं, और इसमें आपको स्टोरेज की भी, स्टोर रूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर तक हर एक रूम में हमने स्टोरेज दी हुई है इसमें। साथ में हमारा आ जाता है अटैच वॉशरूम। हर एक वॉशरूम आप रूम के साथ देख सकते हो, सेम एज इट इज़ हम फिटिंग दे रहे हैं। जैगवार की फिटिंग रहेंगी, एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी इसमें, और वॉल टू वॉल टाइल्स हम आपको लगा के दे रहे हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस अगर हम बात करें अपने प्रोजेक्ट की, तो 9 acres की हमारी टाउनशिप रहेगी जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों हैं। काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ हमने दी हुई है इसमें। अपने पास क्लब हाउस आ जाता है जिसमें जिमिंग सेक्शन आ जाता है, स्विमिंग पूल आ जाता है, बच्चों के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा एरिया पार्क का दिया हुआ है हमने। और अगर मैं अपने लोकेशन की बात करूँ, हमारी जो मेन एंट्रेंस होती है प्रोजेक्ट की, Pier 7 200 feet रोड पर होती है हमारी एंट्रेंस। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए, एंड नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, हम हमारे प्रोजेक्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।